तो फाइनली आज हमारी गाड़ी की बेड सेटअप बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम लोग आराम से लेट सकते हैं, आराम से बैठ कर खाना खा सकते हैं और आराम से हम लोग अपना सफर तय कर सकते हैं। ऐसा आपको बेड सेटअप कहीं मिलेगा ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे खंगाल लीजिए। मैं सब खंगाल चुका हूँ, उसके बाद मैंने ये सेटअप बनाया है, तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग गांव में आए हुए हैं और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। ये ब्लॉग थोड़ा हटके होगा क्योंकि इस ब्लॉग में घूमना फिरना या कैंपिंग नहीं दिखाने वाले। इसमें कैंपिंग जो हम लोग करते हैं, जैसे कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी से, तो जब लॉन्ग ट्रिप पे दिक्कत होती है, हमें रूम लेकर के रुकना पड़ता है कहीं, या फिर कभी नींद आ रही है तो रिलैक्स करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अपनी गाड़ी में बेड की व्यवस्था करने वाले हैं। स्लीपिंग बेड की व्यवस्था होगी। अब ये देखना है कि इस गाड़ी में बेड कैसे बनेगा, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें जो पीछे की सीट है इसको हम फोल्ड कर देते हैं पहले। ये फोल्ड कर दिया। अब ये इतनी जगह है, इसमें हमको बेड बनाना है 6x4 का। 6 फीट बाई 4 फीट का बेड होगा ताकि 2 से 3 लोग आराम से कंफर्टेबली इसमें सो सकें। अब उसके लिए देखिए, मैंने ये प्लाई ला दी है। ये 6x4 फीट की प्लाई है, 12 mm की। 12 mm की प्लाई है, 6x4 फीट की। अब ये देखिए, बूट खाली हो गया है, तो ये पीछे की सीट फोल्ड हो गई है। अब आगे की सीट को भी आगे कर देते हैं, जितना आगे हो सकेगा उतना आगे करेंगे। हो गया, अब उस साइड का भी कर देते हैं। दोनों सीट आगे की फोल्ड हो गई। अब देखिए स्पेस यहाँ से। तो अब हम नाप कर आपको दिखाएंगे कि ये कितना हो रहा है। कितना है? 10। 5 फीट 10 इंच। हाँ, 5 फीट 10 इंच। 5 फीट 10 इंच का लंबाई रहेगा। अच्छा, तो भाई इसके लिए 5 फीट 10 इंच की लंबाई रहेगी, चौड़ाई। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, इतनी रहेगी ना, 4 फीट 3 इंच। 4 फीट ही अप्लाई, 4 फीट का है ना, तो बाकी उस गद्दे से आ जाएगा। एकदम साइज कर लेंगे हाँ। तो रगड़ेगा ना, चार फीट एक इंच रहेगा तब भी हो जाएगा। हाँ, तो 4 फीट की प्लाई है ना। अच्छा ठीक है, और बाकी गद्दे के 10 कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 फीट 10 इंच बाई 4 फीट, लगभग 6x4 की हमारा बेड तैयार हो जाएगा। इसमें 2 से 3 लोग आराम
ये बूट स्पेस के लिए हमने पास लीटर बनाई हुई है, इसको पहले लगाते हैं। अब इसको ऐसे इधर से डालेंगे पहले, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। सेट हो गया ना, ये दो होल हमने किए हुए हैं, यहाँ पे नट बोल्ट लगा के कस देंगे इसको। ये बूट स्पेस का पार्सल ट्रे तैयार हो गया। टायर निकालना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब सीट को सीधा कर देते हैं। हो गया सीट सीधा, ये देखिए सीट को सीधा कर दिए हैं, पीछे वाली सीट को। अब देखिए ये टायर है, ये इतना खुल जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। जब भी टायर निकालना होगा तो आसानी से टायर भी निकल जाएगा यहाँ से। मजबूत एकदम टिकाऊ। अब इसके ऊपर चाहे तो पार्सल ट्रेप जो कंपनी वाली है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसको भी लगा के छोड़ सकते हैं ऐसे। बेड सेटअप लगाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जो बैक सीट है इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड हो गया, आगे वाली सीट दोनों एकदम आगे करके फोल्ड किया हुआ है, मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे मिल रहा है इस समय। अब बेड सेटअप करके दिखाता हूँ। इसको ऐसे आगे कर लिए, देखिए ये बेड लग गया यहाँ पे ना। अब इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा, ये जो कब्जे हैं इनको प्रॉपर अलाइन करना। ये देखिए हो गया अलाइन, देखिए ये कब्जा अलाइन हो गया ना। ये इसकी रॉड है, इसको इसमें बस लगा देना है। ये देखिए सब में लग गया, ये तैयार हो गया ना ये बेड। इसके ऊपर गद्दा डालें, आराम से सोइए। पीछे से दिखाता हूँ एक बार यहाँ से, ये पार्सल ट्रे हटा दें। ये देखिए पूरा प्रॉपर 6x4 का बेड सेटअप हो गया। अब इसमें एक सरप्राइज है अभी जो आपको दिखाता हूँ, अभी रुके रहिए, बने रहिए वीडियो में, देख के मज़ा आ जाने वाला है। तो अभी इसको पूरा प्रॉपर फिनिश कर लेते हैं, इसको पहले अभी प्राइमर करेंगे, पेंट करेंगे, फिर उसके बाद दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। अभी तो फाइनली आज हमारी गाड़ी की बेड सेटअप बनकर तैयार हो गई है, और आज हमारी गाड़ी एकदम फाइनल तैयार हो जाएगी ना। ये देखिए पीछे का ये पार्सल ट्रे है जो उन्हें बनाया है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए ये हमारा यहाँ पर टायर है, ये
इतना ओपन हो जाता है। अगर कुछ छोटा मोटा सामान है पॉली बैग में, पॉलीथीन वगैरह में, वो सब इधर रख सकते हैं साइड साइड में। यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, इधर कुछ सामान रख सकते हैं, बाकी ये ऊपर से ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये पार्सल ट्रे लगाने से हमको यहाँ पे फ्लैट सरफेस मिल जाता है, जिस पर हमारा बैग वगैरह कुछ भी वो रखना है तो ईजिली रख जाता है। जब ये नहीं था तो अनइवन सरफेस था, इसके वजह से कुछ भी रखने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब स्पेस भी अच्छा हो गया यहाँ पर। अब हम दिखाते हैं इसका बेड सेटअप पूरा लगा करके। ये परमानेंट फिक्स रहेगा इस पर हमेशा, और जो बेड सेटअप है वो वहाँ रखा हुआ है। जो बेड सेटअप है वो जब हमको ज़रूरत होगी तो हम इसको इसको इंस्टॉल कर देंगे, नहीं तो डिसेंबल होकर के गाड़ी में ही पड़ा रहेगा। सबसे पहले बैक सीट को फोल्ड कर लेंगे। अब आगे वाली दोनों सीटों को, रियर सीट जितने भी हैं उसको भी हम आगे पूरा आगे करके उसको फोल्ड कर लेंगे। ये सीट फोल्ड हो गई आगे की पूरी। अब मैं इसमें बेड सेटअप करके दिखाता हूँ आपको। दूर से रखना पूरा है, ठीक है, पूरा दिखना चाहिए। अब ये जो जॉइंट है यहाँ पे जो कब्जा लगा हुआ है हिंज, इसको हम लोग यहाँ पे अलाइन करके सेट करेंगे। अलाइन हो गया। अब इसमें इसकी रॉड डालनी है। ये कब्जे का इसका रॉड है, इनमें जो लगेगा इसको ऐसे लगा देते हैं। ये चारों अटैच हो गया, अब ये फिक्स हो गया हमारा। अब ये आता है ब्रेड सेटअप, ऐसा हो गया। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर बेड सेटअप तैयार हो गया है। ये पूरा 6x4 फिट का बेड तैयार हुआ है। मैं आपको इसको नाप करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए चौड़ाई प्रॉपर 4 फिट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, आधा इंच इधर देखो, 4 फिट से आधा इंच ज़्यादा है। ठीक, अब लंबाई दिखाता हूँ मैं। मेरा कुछ मत करो, लंबाई देखिए इधर, लंबाई देखिए 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 10 इंच करो, ये दिख रहा है 5 फीट 10 इंच बेड की लंबाई हो गई। अब देखिए प्रॉपर बेड सेटअप हो चुका है, मगर अभी इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज बचा हुआ है। वीडियो में बने रहिए, देखिए अभी बेड सेटअप करते हैं, पूरा गद्दा वद्दा लगाते हैं इस पर, फिर आपको दिखाएंगे वो सरप्राइज, इसको देख करके मज़ा आ जाएगा एकदम। जितने भी लोग कैंपर वैन वाले हैं और लोगों ने अगर कार में बेड सेटअप किया हुआ है, वैगनआर में, स्विफ्ट में या किसी और गाड़ी में, ऐसा आपको बेड सेटअप कहीं मिलेगा ही नहीं। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लीजिए, मैं सब खंगाल चुका हूँ, उसके बाद मैंने ये सेटअप बनाया है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग की गाड़ी ने एक नया जन्म ले लिया, इस जन्म में इसका नाम रहेगा कैंपर वैन। अब थोड़ा सफ़र करने में कंफर्टेबल हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पूरा 18 से 19 घंटा लगता था रामगढ़ से फिर इलाहाबाद मिर्ज़ापुर आने में, बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये निकल गया। गाड़ी में बिस्तर लग गए।
तलक गई। आओ शिवराज चलो ठीक है तो सूरज निकालो। तो शिवराज को बहुत मजा आ रहा है, कैसा लग रहा बाबू? मैं भी चढ़ जाता हूँ। तो अब हम लोग आराम से लेट सकते हैं, आराम से बैठ कर खाना खा सकते हैं और आराम से हम लोग अपना सफर तय कर सकते हैं। आराम से पैर भी फैल जाएगा, हाथ भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठने के बाद भी दिखाओ, इधर बैठने के बाद भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेंड नहीं होना पड़ रहा, खाना वाना खा सकते हैं आराम से। शिवराज खड़ा नहीं हो पा रहा, बस बैठ जाओ। सरप्राइज देखने के लिए पूरा दिल खोल के देखिए, आंखें खोल के देखिए, क्योंकि जो सरप्राइज है ना आपके लिए बहुत बहुत काम आएगी और मजा भी आ जाएगा आप लोग को देखकर। तो चलिए देखते हैं सरप्राइज क्या है। तो अब सरप्राइज ये है, जैसे इस कंडीशन में जो पूरा बेड सेटअप है तो उस कंडीशन में गाड़ी चला नहीं सकते क्योंकि आगे की दोनों सीटें फोल्ड हैं। मगर अगर किसी को सोना भी है एक आदमी को और गाड़ी चलानी भी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग व्यवस्था की हुई है। आइए दिखाते हैं, पहले ये हटा देते हैं। ये इतना पोर्शन फोल्ड हो जाएगा तो बैक सीट, ये वाली सीट जो है फ्रंट की वो पीछे आ जाएगी। हट जा बेटा। बाबू हट जाओ, चोट ले जाएगा आपको। हट जाओ, आप इधर आओ। हट जाओ थोड़ा सा, अब ये फोल्ड हो गया, अब गद्दा लगा देते हैं। तो ये देखिए भैया, हमारी गाड़ी चलती भी रहेगी और जिनको लेटना है, सोना है, आराम से बैठना है, खाना पीना है, वो आराम से कर सकते हैं अपने सारे काम, और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे। ये रहे ड्राइवर। नहीं, ये पापा हैं। नहीं, ये ड्राइवर अंकल हैं शिवराज के। हेलो बेटा, इसमें एक आदमी यहाँ लेट जाएगा, एक बच्चा यहाँ पे शिवराज हमारा लेट जाएगा, हो गया दोनों लोग का काम। ये देखिए, एक सीट फोल्ड होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस काफी है, आराम से शिवराज खेलेगा, एंजॉय करते हुए जाएगा। तो कैसा लगा हमारा बेड सेटअप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वैगनार सीएनजी जो नई मॉडल है उसके लिए इस तरह का प्रॉपर बेड सेटअप या फिर पार्सल ट्रे किसी को चाहिए हो तो एक बार हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें, एक बार कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर रिप्लाई करें अगर आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो। अब दिखाते हैं इसको डिसेंबल कैसे करना है, डिसेंबल करके कैसे रखेंगे कहाँ पे। देखिए पहले तो इस सीट को आगे कर लेते हैं, ये सब गद्दा उद्दा हटाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि गद्दा उद्दा हटाना ना पड़े तो उसके लिए फोम वाला गद्दा ले लीजिए जो थ्री फोल्ड में हो जाता है ना, फोल्ड में भी हो जाएगा, तीन फोल्ड में करके आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। उसके लिए फिर ऊपर भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? व्यवस्था कुछ नहीं, वो इसमें से लगा के ना जो आती है रस्सी बांधने वाली उससे लग जाता है। बाकी काम चलाने के लिए अपने घर के कोई भी गद्दा ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो
अब ये देखिए, ये दोनों मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इस कंडीशन में चाहे तो आगे की दोनों सीट पीछे कर लें, दो लोग उधर बैठ जाएं, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। अब ये देखिए जो हिंज है, इसको दोबारा से डिसेंबल करना है, उसके लिए ऐसे एक छोटी सी कील ले लेंगे और इस साइड से इसको से पुश करेंगे तो ये देखिए बाहर आ गया। अब इसको से निकाल लेंगे। वाह, कमाल की चीज है, ये ट्रिक कहाँ से पाते हैं आप? ऐसे सब दिमाग लगाना पड़ता, मास्टर माइंड। दिमाग की कमी नहीं है पर काम की कमी है ना। तो इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे, ये अलग हो जाएगा, निकल गया। ये चीज फोल्ड हो गई, ये रहा तैयार। इसको लगा दिए, हो गया। अब इसको या तो इसको आप बाहर रख लीजिए घर में, अगर आपको कभी कभी जाना है, कभी कभी अगर आपको गाड़ी में करते हैं कैंपिंग करनी है या फिर नाइट स्टे करना है तब तो आप इसको हटा लीजिए गाड़ी में से। और अगर आपको रेगुलर यूज़ में है, जल्दी जल्दी आपको जाना होता है, तो आप इसको गाड़ी में रख सकते हैं। उसको कैसे रखना है वो भी दिखाता हूँ। हाँ। देखिए ये सीट को वापस से सही कर लेंगे। अब ये सीट देखिए सीधी हो गई। अब इसको उठाएंगे, अब इसको देखिए ऐसे गाड़ी पे रख देंगे सीट पे। इसको फिक्स करने के लिए कि ये मूव ना करे, गिरे ना, इसके लिए ये जो बैक सीट का सीट बेल्ट है इसको लगा देंगे। ये सेट हो गया। अब ये कितना भी गाड़ी चले, कुछ भी हो, कोई ब्रेक लेके झटका लगे, मगर गिरना नहीं है, ये एकदम सही है। और आप चाहे तो इसके ऊपर गद्दा भी रख सकते हैं ताकि मतलब किसी को गड़े नहीं करे। हाँ, कुछ ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपको कभी कभी गाड़ी में नाइट स्टे करना है, कैंपिंग करनी है, तो इसको आप हटा लीजिए, घर में रख लीजिए। और अगर आपको रेगुलर यूज में रखना है तो ही इसको गाड़ी में रखिए, क्योंकि पीछे सीट पे जो भी कोई बैठेगा तो इस कंडीशन में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। बस गाड़ी तैयार है चलने के लिए। चलिए, 2 मिनट भी नहीं लगता इसको डिसेंबल करने में, आराम से हो जाता है, एक आदमी आराम से कर सकता है, फिर बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है। तो बस अगर पसंद आया हो ये हमारा बेड सेटअप वैगनआर का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। एकदम प्रॉपर एंड टू एंड फिनिश के साथ, मजबूत और टिकाऊ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। जीत गया। चलो चुनिया उड़, बंदर उड़, बंदर नहीं उठा, भालू नहीं उठा, चलो।